पांच शताब्दी के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। मैं एक राम भक्त के नाते श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सहभागी रहा हूं और बड़े लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद के काम में रहा हूं। आज मेरे लिए व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि संसार भर में जितने राम भक्त हैं उनके लिए बहुत 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 खुशी का दिन है कि दीपोत्सव भी हो रहा है, श्री रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इससे अधिक खुशी का कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कुशल नेतृत्व के कारण देश की सर्वोच्च अदालत ने लगातार सुनवाई करके फैसला सुनाया, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जिनके नेतृत्व में लगातार अयोध्या के विकास की जो यात्रा है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और अयोध्या का संदेश सारे संसार में जा रहा है। आपने सर अपने कि हम रुवेरपुर से सीधा आ रहे हैं, यहाँ गंगा जी से सरयू आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि राम वनगमन जहाँ जहाँ प्रभु के राम पड़े, किस तरह के कार्य हो रहे हैं सर कि दुनिया उसको विकास जाने? विकास की यात्रा मैंने कहा जो आप अयोध्या जी के अंदर देख रहे हैं वही आप श्रृंगेरपुर में देखेंगे, वही भरद्वाज जी मुनि के आश्रम प्रयागराज नगर के अंदर देखेंगे, वही वाल्मीकि जी के आश्रम में देखेंगे। जो पूरा राम वनगमन मार्ग है, सड़क और सेतु तो हम बना ही रहे हैं लेकिन जो ऐसे स्थान है जहाँ प्रभु का मतलब चरण पड़ा है उन स्थानों का भी पर्यटन की दृष्टि से व्यापक विकास किया जा रहा है। सर कभी अध्यक्ष अजीब से एक फीलिंग होती थी, क्या कहेंगे वो एक उस दौर को और आज के इस दौर को बारे में? जो अयोध्या जी को लेकर के, भगवान श्री राम जी को लेकर के, सरयू मैया को लेकर के, विशेष तौर से हिंदू समाज की मतलब एक तरह से भावनाओं को जो चोट पहुँचाने का काम करते थे केवल तुष्टिकरण की घटिया राजनीति के कारण, उनको देश की जनता ने जवाब दे दिया है। चाहे वो केंद्र में कांग्रेस हो और प्रदेश में चाहे सपा बसपा जो भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी रहे, उनको संदेश है कि जनादेश के माध्यम से, केवल हमारी पार्टी और हमारी सरकार के माध्यम से नहीं, जनादेश के माध्यम से देश की जनता ने, पूज्य संतों के आशीर्वाद ने, और यह संदेश दे दिया है कि अब इस प्रकार की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।